डीएम ने तहसील सदर का किया निरीक्षण, समस्त मामलों का निस्तारण शीघ्र करने के दिए निर्देश। आपको बताते चले, जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने आज तहसील सदर का निरीक्षण किया। निरीक्षण में पाया कि तहसीलदार के न्यायालय में धारा 34 के पुराने केसों की पेंडेंसी है, जिस पर तहसीलदार सदर को समस्त मामलों का निस्तारण शीघ्र करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त 2 दिन के अंदर विरासत तथा वसीयत की पूर्ण आख्या प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान बताया गया कि प्रत्येक फाइल में एक नोट भी लगाया जाए, जिससे कि फाइल को ढूंढने में समस्या न हो। इसके पश्चात जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी कोर्ट का भी निरीक्षण किया, जहां पर उन्होंने पाया कि धारा 24 का एक केस अधिक दिनों पर लंबित है, जिसे निस्तारित करने के निर्देश दिए गए। उप जिलाधिकारी को निर्देश दिए गए कि जो भी ट्रांसफर फाइल हैं, उन्हें संबंधित अधिकारियों के पास शीघ्र भेजा जाए। माननीय राजस्व परिषद के निर्देश हैं कि वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा तहसील का निरीक्षण किया जाए और माननीय जो परिषद हैं उसके दिशा निर्देशानुसार अभिलेख संरक्षित किए जा रहे हैं कि नहीं। राजस्व न्यायालय में जो राजस्व वाद हैं, चाहे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 24 के अंतर्गत जो लैंड डिस्प्यूट होता है दो प्राइवेट पार्टी में उसके बाद होते हैं, या किसी ज़मीन का फैमिली में विभाजन होता है धारा 116 के अंतर्गत वो होता है, या किसी भूमि का लैंड यूज चेंज होता है धारा 80 में वो होता है, ये SDM के स्तर से होता है। इसी टाइप से तहसीलदार के स्तर पे जो लोग जो ग्राम सभा की भूमि पे अवैध कब्जा करते हैं, उसकी कार्रवाई धारा 67 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के तहत होती है। और जो सब रजिस्ट्रार के यहाँ जो बेनामा होता है, उसके बाद यहाँ म्यूटेशन की कार्रवाई होती है, वो धारा 34 के अंतर्गत होती है। इसकी पत्रावली चेक की गई और संख्या वाइज निस्तारण अच्छा है। कहीं कहीं कुछ जो थोड़ी बहुत कमियां पाई गई हैं, उसे कमी करने के, उसके खत्म करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ आपने देखा कि साफ़ सफाई ठीक है, राजस्व अभिलेखागार भी देखा गया है, उसमें खतौनी और खसरा का मिलान भी किया गया और जो आवश्यक निर्देश जरूरी पाए गए वो दिया गया है। सब मिला के मेन जो सरकार का एम है या हमारा एम है कि लोगों को जो सर्विस मिलना चाहिए ज़मीन से संबंधी, वो त्वरित मिलना चाहिए, कहीं भी अनड्यू डिले नहीं हो।